तो 3.4 अपडेट के बाद क्या हो रहा था, काफ़ी लोगों का लैग हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, बीजीएमआई की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपको यहाँ पे लैग नहीं देखने को मिला। देखो गाइस, इतना स्मूथ गेम प्ले चल रहा है, बिल्कुल लैग नहीं है। एंड ये कैसे हुआ है, इसका ट्रिक्स वगैरह क्या है वो मैं सब आपको बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो एंड सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉग आउट करके हेल्प वाले ऑप्शन में जाना है। एंड यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से बाहर, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे आप जाके ना यहाँ पे जो जो स्टेप्स लिखे ना चुपचाप वो स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करो। कोई भी दिक्कत है, लॉग इन इश्यूज है, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, मैप डाउनलोड नहीं हो रहा, सर्वर इश्यू है, सर्वर डिड नॉट रेस्पॉन्ड दिखा रहा है, कुछ भी इश्यू है, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे जो भी दिखाता है वो आप यहाँ पे फॉलो करो, इससे जेन्युइनली आपका हेल्प होगा। हाँ गाइज, मेरा यहाँ पे इससे हेल्प हुआ है तभी, मतलब यहाँ पे आपको कोई वहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिंपली स्टेप्स लिखा होगा, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपका यहाँ पे दिक्कत सॉल्व होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार क्रोम को क्लियर डाटा करना है। क्यों क्लियर डाटा करना है बोल रहा हूँ, क्यों गाइज, आपका मोबाइल का ना 80-90% बैकग्राउंड में ना डाटा ना क्रोम कंज्यूम करके रखता है, तो इसको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर कैचिंग या फिर क्लियर डाटा ही कर दो, मैं तो कहूँगा जब भी आप बीजीएमआई ओपन करोगे। क्लियर डाटा कर लिया, उसके बाद आपको एक बार बीजीएमआई का भी क्लियर डाटा करना है, क्लियर कैच करना है, एक बार आपको यहाँ पे मोबाइल को भी रिस्टार्ट मारना, ये सब बेसिक थिंग्स है। अब नया क्या बताऊँगा मैं वो सुनो, डेवलपर ऑप्शन में आ जाना चुपचाप। अगर आपका 5G मोबाइल सिम सपोर्ट करता है तो आपको क्या करना है, 5G को यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ पे नीचे 5G कैसे ऑन होगा, यहाँ पे NSDA मोड है या फिर NSA+SA मोड है, यहाँ पे भी आप ऑन कर सकते हो। मैं प्रीफर करूँगा कि ऑटोमेटिक मोड से आप ऑन करना। इसके बाद हो गया, इसके बाद अगर आपको यहाँ पे लॉग इन वगैरह इश्यूज़ हो रहे हैं ना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका, माइक इश्यू है ना उसमें भी वीडियो बना चुका, देख लेना आप। उसके बाद आपके यहाँ पे जो बैकग्राउंड लिमिट है उसको आपको यहाँ पे नो प्रोसेसिंग बैकग्राउंड लिमिट, मतलब आप जब बीजीएमआई खोलोगे बैकग्राउंड में कोई ऐप आपको अपडेट करने नहीं देना, बैकग्राउंड चेक भी कर सकते हो। एंड ऑलवेज शो क्रैश डायलॉग, क्रैश डायलॉग को हमेशा आपको शो करना है कि क्रैश आपका किस वजह से हुआ है, ये सब होगा। फिर आपको यहाँ पे कोई कोई अगर आप यहाँ पे आप यूज़ नहीं करते उसको डिसेबल कर लेना है। आपने ये सब कर लिया, ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल एक बार रिपेयर कर लेना अपने गेम को। रिपेयर करोगे तो क्या होगा, 25 से 30 MB का कुछ अपडेट में आएगा जिससे सो भी ग्लिचेस हैं वो वगैरह फिक्स होंगे। यहाँ पे बीजीएमआई ने अपना गेम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है मेरे को लग रहा है, क्योंकि गाइस मेरे को एक दो दिन से ना इतना स्मूथ लग रहा है, मतलब मेरा अच्छा चल रहा है। पिंग ऑब्वियसली आपका 100-120 आ रहा है, लेकिन ग्रीन पिंग आ रहा है, रेड पिंग नहीं आ रहा है, आपका एकदम स्मूथ चल रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, गेम खेलने में मज़ा आ रहा है। ये सब करने के बाद आई थिंक आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको यहाँ पे डिवाइस मांगूंगा। इंस्टाग्राम में मेरे को डिवाइस नेम भेज देना एंड आपका रिकॉर्डिंग भेज देना कि अभी इशूज़ है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मैं बोलता हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वी आर वेरी क्लोज टू 7000 सब्सक्राइबर्स, तो 7000 सब्सक्राइबर करा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।